would like to share with you that I have a regret in Rotary. मेरे को 13 साल हो गए रोटरी ज्वाइन के. 2007 आई ज्वाइन रोटरी एंड माय ओनली रिग्रेट इज कि मैंने रोटरैक्ट के साथ काम करना 10 साल बाद शुरू किया. जब मैं प्रेसिडेंट बना 2016-17 में, तो पहली बार मुझे जब मैं आरआई साइटेशन गोल्स आई वाज रीडिंग, देन आई रियलाइज्ड कि आरआई गिव्स ए वेरी हाई इंपॉर्टेंस टू न्यू जनरेशन सर्विस एंड स्पेशली टू रोटरैक्ट क्लब्स. तो देन आई रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ रोटरैक्ट एंड मैंने मेरे टेन्योर में I sponsored two clubs, Rotaract Club of Promac Community Based Club and Rotaract Club of MNIT. They both were sponsored and today I'm really happy to see that both the clubs are doing activity after activity, regularly kar rahe hain. Aur aaj dono clubs se ZRR ya ZRS, they are from both these clubs only in this zone. So that's a great satisfaction to me ki log kaam kar rahe hain. Now this is very clear to Rotary world that Rotaract is a very important subject. Rotaractors are very important, Rotaract are very important. Aur yahi isliye there are lot of changes in Rotaract clubs. Are you aware of the changes? Before we go to relationship, are you aware that what is now status of a Rotaract club or a Rotaractor? Sabse pehle major change 2016 ki Council of Legislation mein aaya tha. Wo kya aaya tha? Ki now Rotaractors can have dual membership. Rotaractors can become Rotarians also. Now, what is the purpose behind it? Because the Rotary world, Rotary International को ये मालूम है कि अगर Rotary की का future कुछ है, 100-125 साल, जो भी 100-115 साल तक से Rotary चल रहा, अगले 100 साल अगर इसको चलाना है, 200 साल चलाना है, तो कौन चलाएगा? वो Rotaract Club ही चलाएगा इसको. This has been realized. Now it has also been realized कि रोट्रैक्टर जो रोट्रैक्ट बनते हैं वो temporarily रोटरी से ना जुड़े. इट्स नॉट दैट कि 18 से 30 साल तक के यंग स्टूडेंट एंड यंग प्रोफेशनल्स दे ज्वाइन रोट्रैक्ट एंड आफ्टर द एज ऑफ 30 दे आर नो मोर रोट्रैक्टर्स, नीदर रोट्रैक्टर्स नॉर रोटेरियंस, और वो रोटरी से टच उनका खत्म हो जाता है. सो ये बेसिक पेन पॉइंट है रोटरी वर्ल्ड का कि रोट्रैक्टर्स शुड बी कन्वर्टेड इनटू रोटेरियंस. नाउ हाउ इट इज पॉसिबल, इसीलिए उसको ड्यूअल मेंबरशिप दी गई कि भाई चलो बीइंग रोट्रैक्टर, बिकॉज अगर किसी 25 साल के 27 साल के रोट्रैक्टर को ये बात की जाए कि आप रोटेरियन बन जाओ, तो वो आधे से ज्यादा लोग इसलिए कि दे डोंट वॉन्ट टू लूज दैट फन ऑफ बींग ए रोट्रैक्टर एंड दैट फ्रेंडशिप एंड दैट फेलोशिप ऑफ रोट्रैक्टर, दे डोंट वॉन्ट टू लूज दैट. That's why that may be the reason कि उसके लिए वो रोटेरियन ना बने. तो उनको चांस दिया कि यू हैव dual membership. लेकिन इससे भी क्या हुआ कि only 5% ऑफ द रोट्रैक्टर्स could convert into Rotarians. Only 5%. Now Rotary International has big targets. At least 20% रोट्रैक्टर्स should be converted into Rotary by 2022. This is the target. And by 2029 Rotary International should have 1 million reported Rotaractors, 1 million, जो कि आज 2.5 लाख है. So that Rotary International have big targets. इसके लिए Elevate Rotaract Task Force, have you, any of you heard it? किसी को आपको मालूम है what is Elevate Rotaract Task Force? You don't know, so let me explain it to you. जब ये काउंसिल में लास्ट काउंसिल में ये डिसीजन हुआ, अभी तक रोट्रैक्ट वाज ए प्रोग्राम, रोट्रैक्ट वाज नॉट ए क्लब इन द आईज ऑफ रोटरी इंटरनेशनल. रोट्रैक्ट वाज ए प्रोग्राम ऑफ रोटरी क्लब, लाइक इंटरैक्ट इज देयर, आरसीसी इज देयर. बट नाउ फ्रॉम 1 जुलाई 2020 रोट्रैक्ट विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज ए क्लब, रोटरी क्लब एंड रोट्रैक्ट क्लब. नाउ रोटरी इंटरनेशनल विल बी ए ग्रुप ऑफ रोटरी क्लब एंड रोट्रैक्ट क्लब, इक्वल स्टेटस एज ए क्लब. जो प्रोग्राम के अंदर सारे ऑल दिस कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन चेंज्ड, बायलॉज हैज बीन चेंज्ड, पॉलिसीज हैव बीन चेंज्ड. आर यू अवेयर ऑफ दिस? आई विल शेयर द डॉक्यूमेंट विद यू, नो प्रॉब्लम. आई विल शेयर द डॉक्यूमेंट. सो नाउ मेजर चेंजेस है जी, है जी. This is Imran here, sir. Whatever we have got it from the current year's Rotary offices, we have already shared it with all the Rotaract groups. Okay, you have shared it. Regards to the elevation of Rotaract. Haji?
What, Imran? In regards to the... Okay, you have shared the document. You have the document and you have shared it with all the Rotaractors. Okay, very nice. So, these are the changes. Or Rotaractors, Rotaract Clubs ko is tarah se elevate kiya gaya. Theek hai? Now, we come to relationship between Rotaract and Rotary. What kind of relationship? What is the status today and what we want? Hum kahan par hai aur kahan pahunchna chahte hai? So, can any one of you, like you were discussing, you expect this thing from Rotary Clubs and you are not getting it? Imran, can you share something? Can we share, like, what do we expect from Rotary as a Rotaract Clubs? There have been many, you see, there are two issues which are predominantly being communicated to me when I was a district council member and now being a DRR. Sir, some of the clubs, there are two, these are major concerns. There are a lot of other points that we can discuss, but these are two major concerns. Sir, on one side, we have clubs who say it like they have an over-interference from the Rotary, you know. Okay. Like, they're each and every activity is being controlled by them and they are not given enough amount of autonomy to work. Okay. Right? Because when we appoint the Rotaract leaders, we expect Rotaract clubs to work on their own. For sure, under the leadership and the guidance of Rotary only, but there should be some amount of autonomy to be given to them, which is not there. On the other side of the table, there is extreme other things. There are clubs which are not at all getting any kind of support, sir. Any kind of support, and I literally mean it. You know, I'm a kind of a person who is very blunt about my opinion. So, there are clubs who are not getting, you know, 1% of support from any of the Rotary clubs, and they're working on their own, and they're still surviving. Like amount of information that they should get about the programs of the Rotary. Sir, kabhi ek joint meeting bhi nahi karte hain, which is there in the Rotary manual as well. कि रोटरी और रोटरैक को एक जॉइंट मीटिंग करनी चाहिए या तो रोटरी के प्रोग्राम में आप रोटरैक्टर्स को बुलाइए या तो रोटरी के प्रोग्राम में आप काउंसिल में भी अगर जो प्रेसिडेंट ठीक है ठीक है आई भी एक रोटरैक्टर होते हैं आई गॉट इट आई गॉट इट इमरान सो नाउ आई कुड फाइंड कि देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट है ना जो गैप है उसके लिए लॉन्ग लिस्ट है ना ये वी मस्ट अंडरस्टैंड कि देयर आर अ ह्यूज एक्सपेक्टेशन ऑफ रोटरैक्टर्स which are not being fulfilled, that we must understand. Hai na? So, but we decide here ki we will solve it. Theek hai? On behalf of DG Rajesh Agrawal ji, I commit to you, next year, we will try to bridge this gap. Jitna humse ho sakega, we will bridge this gap. Theek hai? Rahi baat, main aapki baat ka thoda sa jawab dunga, ki Rotaract is an autonomous body. So, no Rotary club can force the Rotaract clubs to work according to their wish and will. वो नहीं कर सकते हैं, है ना? You are autonomous. हाँ, whatever help you need, you can ask for that and you can get it. Now what होता क्या है? See, you are young. Rotaract is a young brigade of Rotary and Rotary, you can say old boys club or they are 40 plus or 50 plus. There are only 5% members in Rotary who are below 40. Only 5%. So mostly they are 45-50. Now, there are some weaknesses in older people and some strength of older people. There are some weaknesses in young people and there are some strength of young people. If we can have synergy, like what is the strength of young people? What is the strength? Which elder people don't have? What is the strength of Rotaract? You are innovative, you are energetic, you have time. But at the same time, there are some weaknesses which you must find and you must know. But what is the strength with Rotarians? They can help you in so many ways. They have experience. बहुत सारी चीजें experience से आती हैं. For that, a person needs to be aged. They can help you by sponsoring the events. They have money. So now comes, you want to say that Rotarians, they, है ना? As a rule, they don't involve Rotaractors in their groups. Now, what can be the reason? What can be the reason for this? Or they do over interference. What can be the reason? We need to go to the reason. What now? What are there are 2, 3, 4, 5 reasons, so that if we work on those reasons, it can be eliminated.
Why they will do like this? If a Rotary Club has sponsored a Rotaract Club and they are not ready to help, why they will not do it? There are a lot of reasons which could lead to this situation. Maybe the biggest reason that I would suggest is the lack of communication between these two entities. You know, जो bridge है ना sir, वो बहुत मेरे ख्याल से कुछ clubs से बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है. मैंने ये सवाल अभी मैं जब इंदौर में institute में था तो I've asked this question to the RI director. I've asked this question to the RI president Mark Malony himself. क्योंकि ये जो ब्रिज है सर उसको ये जो गैप है उसको ब्रिज करने की बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है व्हिच वी एक्सपेक्ट फ्रॉम यू एज अ डीआरसीसी टू डू दैट यू नो दैट विल हेल्प रोटरेक्टर्स टू हां जैसे मैं बताऊं आपको हाउ वी कैन डू इट लाइक वी आर हैविंग दिस मीटिंग नाउ इमीडिएटली आफ्टर दिस मे बी आफ्टर 3 4 5 डेज 7 डेज वी कैन हैव अ मीटिंग अगेन इन व्हिच ऑल दोज रोटेरियंस हु आर रिप्रेजेंटिंग रोटरेक्ट क्लब्स ऑन डिस्ट्रिक्ट लेवल or on club level, we can have a meeting with them. So first thing is, every Rotary club, now there are certain do's and don'ts for Rotary clubs and Rotaract clubs. So I would like to ask you one question, kya Rotaract clubs jo bhi events karte hain, sab mein Rotarians ko bulate hain? Sab mein nahin bulate honge. Achha, ya jab bhi bulate hain toh aate hain, jab bhi bulate hain toh aate hain? I am just learning, please, है ना? Because my it is my sir most of मैं एक बात बताता हूँ आपको मैं 10 साल से रोटरेक्टर हूँ जो मैंने चीज अपने वहाँ से सीखी ये nothing to personal I'm trying to understand from you and we will solve it I commit to you we will solve it definitely sir बहुत बार ऐसा होता है कि रोटरेक्टर्स उनको invitation कर मतलब दे दे के थक जाएंगे लेकिन सब क्लब के पास वो फैसिलिटी नहीं होती है अब जब वो चीज रोटेरियंस के पास जाते हैं टू हेल्प अस गेन द स्पॉन्सरशिप टू हेल्प अस एग्जीक्यूट दिस इवेंट टू हेल्प अस गेट कनेक्टेड विद द गवर्नमेंट एजेंसी टू एग्जीक्यूट दिस इवेंट सर सॉरी टू से दिस जो जो पॉजिटिव आंसर्स है ना सर उसका पलड़ा नेगेटिव से कम है मतलब जो सपोर्ट का आंसर है वो मिलता नहीं है और इवेंट्स में मतलब अगर 10 इवेंट में बुलाने जाएंगे तो 3 इवेंट में आते हैं ओके मैं फ्रेंकली बता रहा हूँ 10 में बुलाने जाएंगे तो 3 में आएंगे एंड यू नो एज इफ दिस मे बी यू नो विद डिसरिस्पेक्ट फॉर बट many times we feel that as if they are acting as they are doing a favor to us and not being our parents because we always treat them as our parents that they are our parents and they should be part of each and every of our activity but many clubs have these issues that wo aate hi nahi hai unka kuch enter matlab unka kuch jo involvement hona chahiye rotary ki activity mein sir wo bahut negligible hai to I'll request chaliye achhi baat I'll request all the rotaractors here whenever wherever they are finding this difficulty hai na they are always welcome to talk to me and I would like to talk to interact with those club main un club se leaders se unse baat karna chahunga ki bhai why they don't get involved they will get involved vinod ji haan ji ek baat main imran bhai ki baat mein sun raha tha haan imran bhai jo ho gaya usse apne ko learn karna chahiye usse apne ko wo strategy banani chahiye कि आगे वो कमियां रिपीट ना हो जो होती आई है आज हम लोग यहाँ इसलिए बैठे हैं कि हम अपनी गलतियों से या अपनी कमियों से लर्न करें और आगे के लिए अच्छे फ्यूचर के लिए हम अपनी स्ट्रेटजी बनाए तो मेरा सब लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि आगे हमें कैसे काम करना है पिछली गलतियों से सीखें और आगे के लिए एक अच्छा स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म तैयार करें उस बात पे अगर सजेशंस आएंगे हमको किया हुआ क्या है किया क्या है वो तो हमने काफी कुछ समझ लिया सीख लिया अब आगे करना क्या है उन कमियों को कैसे दूर करना है उसके ऊपर बात करेंगे तो हमारा सेशन बहुत फ्रूटफुल होगा विद दोस वर्ड्स विद परमिशन ऑफ ऑल ऑफ यू एंड थैंकिंग यू ऑल एवरीवन हियर जय मेघा इमरान एंड एवरीवन प्लीज परमिट मी टू लीव बिकॉज़ आई हैव बैक टू बैक मीटिंग
Thank you so much for inviting me. I think Vikrant and Vinod will take forward from here. Thank you so much for coming, sir. Thanks a lot. And I am available anytime. And as I suggested, you please go ahead to organize monthly meeting so that we come closer. Huh? Sure, sir. Okay. Thank you so much. Okay. Acha, how? You want to? Sir, I want to say something. हाँ हाँ. हाँ तो इमरान सर ने जो बात कही उस पे मैं कुछ add करना चाहूँगी. As far as I concern, तो मेरी rotary is very much supportive. हर जगह हम rotaractors को मैंने support किया and in fact कोई भी events हो तो वो हमें invite करते हैं, हम उनको invite करते हैं. 100% attendance जैसी रहती है. But what I have observed during these many years ki jahan pe Rotary aur Rotaract ka communication gap hota hai is just because of changing in leadership. Kyunki har saal ek naya leader aata hai, ek naye vision ke saath aata hai. Aur jab IPP ek Rotaractor jo Rotarian hote hain, the immediate past Rotarians ya past president Rotarians, unki taraf se jo ek value add karne ka hota hai club ko, wo kam ho jata hai. जिसकी वजह से जो करंट प्रेसिडेंट होता है वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है. तो अगर रोटरी इस चीज पे कुछ फोकस कर सके तो मे बी जो ये जो हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो प्रॉब्लम हम फेस नहीं करेंगे इन फ्यूचर और बहुत सारा स्मूथ फंक्शन हो जाएगा रोटरी रोटरैक्ट के बीच में, फिर रिलेशन भी बहुत स्मूथ हो जाएगा. ओके, वेरी नाइस. तो मैं आप लोगों से सभी से चाहूंगा यार चैट बॉक्स में ना just you type it whether how many of you get support from Rotary clubs and how many of you don't get support. Yes and no likh de bas. I would like to understand, just like she said ki she gets inko support milta hai Rotary club se, and according to Imran bilkul koi support nahi milta hai, and there are so many other Rotaractors also, hai na. Please write yes or no. So I would like to see what is the percentage. I can see so many yeses. So it's not you get support also. Okay, I can see so many yeses also. So that means there is a scope. If somebody can get support, that means we can also get support. ठीक है. अब जैसे मैं जय से बात करना चाहूंगा, जय बलसारा से. जय, आप बताओ कि मेरा कम्युनिकेशन आपसे ज्यादा है या आपका ज्यादा है? इमरान जी को बताइए. बताइए इमरान को. है भाई, आई कॉल यू मोर टाइम्स और यू कॉल मी, बताओ. आई एम नॉट कंप्लेनिंग, है ना. वी विल इम्प्रूव इट. आई एम नॉट, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू रिप्लाई कि ऐसा नहीं है. लेट अस होप फॉर बेटरमेंट. लेट अस होप व्हाट एवर हैज हैपेंड विल नॉट हैपन नाउ. वी विल इम्प्रूव इट. आपको एक बात बताता हूं. हाँ, यू नो एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल का तो हमको जो सपोर्ट रोटरी का जो मिलना चाहिए ना, वो तो परफेक्टली मिलता ही है. अच्छा, मैं जो बात कर रहा था ना वो इंडिविजुअल क्लब और रोटरी क्लब. चलो मैं क्लब लेवल की बात, अच्छा मैं क्लब लेवल की बात करता हूँ. मेरे क्लब से यहाँ पर देखिए, अभी जेडआरआर और जेडआरएस चिन्मय है. चिन्मय इज माय सन, ही इज देयर, एंड वन वो होगा इस पे एमएनआईटी से कोई होगा. यू आस्क देम दे गेट सपोर्ट और नॉट. बेसिकली हम लोगों ने जितने भी, जैसे मैं आपको सर पर्सनली ये चीज बताना चाहूँ. हाँ. तो जितने भी इंस्टॉलेशन हम लोग अटेंड कर रहे हैं, ठीक है सर, मैं इंस्टॉलेशन के पॉइंट पे आता हूँ. जैसे शुभम लोग बोला उनका रुक उनको बहुत सपोर्ट करता है, तो स्पेशली हम लोगों ने ये चीज अप्रिशिएट भी किया है. जब लोग एज ए डी आर और एज ए डी आर इंस्टॉलेशन में वहां पे गए थे कभी भी. हाँ. अभी जैसे सर हमारा इंस्टॉलेशन रहता है तो रूपरी और जैसे बहुत सारे क्लब है जिनका रूपरी और रोटा का इंस्टॉलेशन बात नहीं होता. हाँ. और मोस्टली 80% क्लब ऐसे है जिनका इंस्टॉलेशन बात नहीं होता है. तो सर अभी क्या होता है, जैसे रोटरी का इंस्टॉलेशन पहले खत्म हो जाता है, रोटरी का इंस्टॉलेशन जब आता है ये पर्सनली हम लोगों ने बहुत फील किया हुआ. जब भी रोटरी का इंस्टॉलेशन आता है तो दिखाने का टाइम हो जाता है और रोटरी वाले सब चले जाते हैं और सिर्फ रोटरी वाले रहते हैं. अच्छा, दैट इज द पॉइंट सर. जैसे काकरिया कैसे करते हैं सर, पहले रोटरी का इंस्टॉलेशन होता है फिर रोटरी का रहता है. होना ही चाहिए, होना ही चाहिए, होना ही चाहिए. जो जिस तरह से रोटरी हमको सपोर्ट कर रही है उसमें हम कोई चीज में डिनाई नहीं कर रहे. बट पर्टिकुलरली जब रोटरी और रोटरी क्लब की बात आती है तो बहुत सारे ऐसे क्लब है जिनको सर पर्टिकुलरली ऐसा सपोर्ट नहीं मिलता है. चलो बहुत अच्छी बात है जय. देखो मेरा कहना यह है कि अगर प्रॉब्लम ही नहीं होगी तो अपन सॉल्व क्या करेंगे. सो इट्स गुड दैट वी हैव ए प्रॉब्लम. सर
भाई हम इफ देयर इज मोर प्रॉब्लम देन अपना अचीवमेंट तभी तो काउंट होगा. आई एम है ना. इट्स गुड दैट देयर इज अ हां मैं एक ही बात बताना चाहूंगा. यू नो 3054 में जो आइडियल अगर किसी को मतलब व्हाट वी शुड एडर टू और जो आइडियल सपोर्ट जो जो शुभम ने बात की ना सर वो 3054 की सबसे एक्सट्रीम आइडियल सिचुएशन है. को जो सपोर्ट मिलता है आई डोंट सी एनी अदर क्लब्स वुड बी गेटिंग दैट मच ऑफ सपोर्ट. कांकरिया सपोर्ट टू द रोटरी मूवमेंट क्योंकि सर उसका रीजन बहुत क्लियर है. आशीष सर खुद पीडीजी पीडीआरआर रह चुके हैं और इसी बात से सर हमको इस साल डिस्ट्रिक्ट में भी ये सबसे बड़ा फायदा हुआ कि हमारे डीआरसीसी इस साल पीडीआरआर रह चुके हैं. तो आशीष सर ऑलवेज टॉक मोर एज अ रोटरेक्टर देन अ रोटेरियन. अच्छा चलो एक बात मैं बोलता हूँ. हाँ इमरान आई गॉट योर पॉइंट. अब नाउ आपको मालूम है नया आपने एलिवेट रोटरेक्ट पढ़ लिया ना आपने. यू हैव स्टडीड इट. नाउ यू हैव अ चॉइस. इफ सम क्लब इज नॉट सपोर्टिंग यू डू यू नो यू कैन लीव द स्पॉन्सरशिप ऑफ दैट क्लब. मालूम है आपको. नाउ यू हैव अ चॉइस. अब आप क्लब सेलेक्ट कर सकते हो 1 जुलाई 2020 से. अगर आपको कोई क्लब और मैं कह रहा हूं जिसको कोई क्लब सपोर्ट नहीं करे ना वो मेरे को बता देना. मैं उनको वो क्लब दूंगा स्पॉन्सरशिप में जो उनको सपोर्ट करेगा. इट इज गोइंग टू बी डिफरेंट. प्लीज हैव अ फेथ हैव अ ट्रस्ट. इट इज गोइंग टू बी डिफरेंट. बट हम साथ में मिलके ही कर पाएंगे काम. ये पक्की बात है. Definitely. है ना. तो अब आपके पास चॉइस है. अब मेरे को आप ये बता देना जिसने भी नो लिखा है आई वॉन्ट देयर क्लब्स. मेरे को प्लीज पर्सनल इस पे आई वुड लाइक टू हैव द लिस्ट. है ना. जो क्लब सपोर्ट नहीं करते हैं रोटरेक्ट को प्लीज गिव मी अ लिस्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई कि उनसे सपोर्ट मिले. सेकंड अपन ट्राई करेंगे कि वो क्लब को छोड़ के दूसरे से स्पॉन्सरशिप ले लें. एग्रीड. ठीक है ना. सो देखो रोटरी इंटरनेशनल बहुत सीरियसली सोच रहा है रोटरेक्ट के लिए. तो बाकी सबको तो सोचना ही पड़ेगा. जब मार्क मेलोनी सोच रहा है तो बाकी को सोचना पड़ेगा भाई. है ना. आपको जो स्टेटस अभी दिया जा रहा है ये पहले कभी नहीं था. आपको सारे कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो गए. बायलॉज चेंज हो गए. आपको आपको क्लब का बराबर का दर्जा दे दिया. आपको क्लब उसमें आ गया. आप बताइए ना आरआई लेवल पे हो रहा है सब. 9000 रोटरेक्टर्स से सर्वे करा के उनसे पूछा गया कि आप क्या चाहते हो. जय आप क्या चाहते हो वही होगा. इमरान आप क्या चाहते हो वही होगा. वो करके जाके पॉलिसी बनी है भाई. इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं. So now, when RI has given these guidelines, every club has to follow it. अब अगर किसी क्लब को बोलना है कि मेरे पास रोटरेक्ट क्लब है, either they will support और या फिर आप अलग हट सकते हैं उनसे. They will lose the Rotaract Club. So that will, I think, up to some extent, it will solve the problem. You can find out कि कौन क्लब है जो मेरे को सपोर्ट कर सकता है. Go with them. ठीक है ना? Perfect. Yes, sir. ठीक है. और बताइए. और यहाँ पे नॉर्मली जो कम्युनिटी बेस्ड क्लब है उनकी फीस ही 500-600 होती है. लाइक मेरे क्लब की उतनी तो फीस है. अब वो ड्यूज है उसके इक्विवेलेंट हो गए हैं. अब हमने हमारे क्लब से बात नहीं की है बट ये बहुत सारे पेरेंट क्लब के साथ इश्यू आएगा क्योंकि जनरली एक क्लब में 15 मेंबर तो होते हैं. सो एक पूरे रोटेरियन मेंबर की फीस ही हमको ड्यूज में देनी पड़ेगी. ऐसा हो जाएगा और उसके ऊपर हमारे डिस्ट्रिक्ट ड्यूज भी होंगे. तो शायद से ये नेक्स्ट ईयर से मतलब ये 2021 से ये इशू आ सकता है कि बहुत सारे क्लब इसकी वजह से बंद हो जाए या फिर मेंबर्स सामने ना दे. पर ये बहुत बड़ी चीज है एटलीस्ट हमारे लिए कम्युनिटी फीस क्लब्स के लिए. लेट मी टेल यू फॉर एक जुलाई 2022 से होगा ये. और $5 तो इसके लिए है इंस्टीट्यूशन बेस्ड के लिए. $5 पर मेंबर एंड $8 पर मेंबर फॉर कम्युनिटी बेस्ड. तो और ये भी अभी अभी दो साल इसको स्टडी किया जाएगा. है ना. 2 साल ऑब्जर्वेशन में रहेगा. 2 साल आर आई आपको जो है यू विल गेट समथिंग आउट ऑफ इट.
यू आर गेटिंग नाउ हाउ टू कलेक्ट इट हाउ टू गेट इट अलग अलग क्लब की अलग अलग प्रॉब्लम हो सकती है. ज्यादातर कम्युनिटी बेस्ड क्लब आई थिंक दे विल बी एबल टू पे $8 पर मान लीजिए आपके 20 30 40 50 मेंबर है. क्योंकि आप उसमें ये कहा गया कि कैसे कलेक्ट करो, यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम योर स्पॉन्सर क्लब्स, यू जहां भी आप जो सर्विस प्रोजेक्ट्स के लिए जिस तरह कलेक्ट करते हैं है ना, उसमें कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं आपको कि यू कैन इफ देयर इज अ प्रॉब्लम. और अदरवाइज $8 ये इंडिकेटिव रखा है, ये रखने का पर्पज भी है कि ताकि एक क्लियर डेटा कि वो आर सीरियस रोट्रैक्टर्स, उसका एक कंप्लीट डेटा आरआई के पास हो कि दीज आर द रोट्रैक्टर्स. अभी तो किसी से पूछो रोट्रैक्टर कितने आपके, तो एक इंस्टीट्यूट कहेगा 5000 रोट्रैक्टर है मेरे पास, ऐसे ही बोलते हैं ना. अभी कितने रोट्रैक्टर है और आपके इसमें कॉन्फ्रेंस में कितने आते हैं है? अच्छा तो अब एक बात बताओ, कॉन्फ्रेंस में आते हैं तो कुछ पेमेंट करके आते हैं, करके आते हैं ना, वो उसके मुकाबले $8 कितना है बताइए, व्हाट इज $8? तो $8 और $5 इट इज जस्ट इंडिकेटिव. ऐसा कुछ भी फिगर नहीं है आज की डेट में कि जो कम कोई स्टूडेंट या एक पिज्जा स्टूडेंट के लिए एक पिज्जा के बराबर है, एक साल में एक पिज्जा कम खाया. और कम्युनिटी वाले के लिए तो कुछ भी नहीं है, मतलब कम्युनिटी बेस्ड के लिए पीपल हु आर वर्किंग. तो ये भी सारा देखिए 9000 रोट्रैक्टर्स के सर्वे के रिजल्ट के बाद ये डिसाइड किया गया. सो रोट्रैक्टर्स हैव एग्रीड टू इट कि देयर शुड बी सम फीस. ये एनी अदर क्वेश्चन? अगर विक्रांत सर कुछ शेयर करना चाहते हैं जैसे आपकी ये जूम मीटिंग हो रही है, ऐसे पिछले जिस दिन से लॉकडाउन हुआ है उसके दिन से एवरी इवनिंग वी आर ऑर्गेनाइजिंग जूम मीटिंग फ्रॉम इन द इवनिंग फॉर रोटेरियंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट. And every day we invite some knowledgeable speaker, some senior Rotarian. अभी तक इस तरह की 12 meetings हो चुकी हैं. और Rotary International President nominee जो शेखर मेहता जी कलकत्ता से, उन्होंने address किया है. Rotary International Director Dr. भारत पांड्या, Rotary International Director कमल सांगवी, Rotary International Director elect रवि वर्धमानी. इस तरह से we have had 11 meetings till yesterday. And very, very enthusiastically Rotarians are participating. Today evening, we have invited Rotary International President-elect for 2021, Holger Mack from Germany. So he will be addressing, he is the keynote speaker for today's meeting. And Rajesh ji ki aur hamari ye ichcha hai ki aaj ki is meeting mein district ke Rotaractors bhi participate kare. Sure. Yes. मैं अभी इसका जो मीटिंग का लिंक है उसमें रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी, प्री रजिस्टर करना पड़ेगा. मैंने ये लिंक उस मीटिंग का जो है वो अभी मैंने जय को और मेघा को शेयर किया है. आप आगे शेयर कर दीजिए अपने पूरी टीम से, ठीक है, और जिससे आपके सारे मेंबर्स को भी पता लग जाए. सर व्हाट इज द टाइम फॉर दैट मीटिंग? 5:30 PM टुडे एंड रफली 1 से 1.5 घंटा ये मीटिंग चलती है. 15-20 मिनट वो एड्रेस करेंगे और उसके बाद फिर वो इमरान, मैंने आपको भी ये फॉरवर्ड कर दिया. यस सर, थैंक यू. सो इमरान जय, आई हैव शेयर द लिंक फॉर रजिस्ट्रेशन. यू नीड टू प्री रजिस्टर, उस टाइम जॉइन नहीं हो पाएगा. एंड वी हैव एनफ रूम, वी थिंक दिस मीटिंग कैन अकोमोडेट अप टू 500 पार्टिसिपेंट्स. We have already got registration from Rotarians. More than 250 Rotarians have registered. So, aap log bhi register kare and evening mein aaj join this meeting. And we will certainly talk to the RIP elect, Holger Mack, because he is very keen about Rotaract. So, we'll certainly, during the meeting, we'll inform him that the Rotaractors are also attending this meeting. Do you have any question to ask?
So now, anyone? Any questions? So now I would like to talk last one minute to you. Whatever has been happening, let us forget about it. Let us hope that next year it will be different. Okay. और हमको मिल जो नेक्स्ट ईयर, क्योंकि बहुत सारे पॉलिसी में भी चेंज आए हैं, आरआई भी हो चाहता है, उसमें रोटरेक्टर्स को काफी फ्रीडम भी मिली है. जैसा आपने देखा भाई, कोई क्लब सपोर्ट नहीं कर रहा है तो आप स्पॉन्सरशिप छोड़ सकते हैं उसकी, है ना. इसके अलावा जो इस बार, चाहे वो राजेश जी हो, विक्रांत जी हो, चाहे मैं हूं आपके साथ, वी ऑल विल बी वर्किंग टुगेदर विद यू. और दूसरा, अभी मेरे अलावा भी हमने जोन वाइज जो टीम बनाई है, इट दे आर वेरी लाइक दे हैव बीन पास्ट रोटरेक्टर्स मोस्ट ऑफ देम, तो वो उनका भी सपोर्ट आपको पूरा मिलेगा, दैट आई कैन एश्योर यू. बट लेट अस हैव ए पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड, लेट अस थिंक पॉजिटिवली. व्हाट एवर हैज हैपेंड, हमें उस पर ध्यान नहीं देना. क्या हमें, वी नीड टू गिव एन एग्जाम्पल. ये एग्जाम्पल होना चाहिए 3054 में, कि रोटरेक्ट और रोटरी की रिलेशनशिप अगर कहीं देखनी है तो 3054 में देखो. दैट शुड बी अवर टारगेट, सो वील अचीव इट. लेट अस होप फॉर दैट, एंड आई वॉन्ट कमिटमेंट फ्रॉम यू. The only thing is, the key to this is, दो तीन चीजें कहना चाहूंगा. Let us have a better communication, ठीक है. After that, first connect and then correct. There is one term, first connect then correct. तो आप पहले connectivity कैसे बने Rotaractors से, जो भी आपका club है उसमें क्या Rotaract chair है ना, उनसे आपकी regular बात होती है, उनको आप अपने problem बताएं, उनसे नहीं सॉल्व होती है, देन यू कैन टॉक टू तुम्हारे आपके जोन लेवल पे भी, हमने है ना जोन लेवल पे भी रोटेरियंस हैं, उनसे बात कर सकते हैं आप, मेरे से बात कर सकते हैं, विक्रांत जी से बात करते हैं. बट द थिंग इज, इफ वी कनेक्ट वी कैन करेक्ट. तीसरा, जो राजेश जी ने भी बात की थी, कि जैसे अभी दमन में आप लोग आ सकते थे, जो रोटरेक की एक्टिव, जो डिस्ट्रिक्ट इवेंट्स हैं या जो रोटरी की इवेंट्स हैं, उसमें अगर आप शामिल होंगे तो वहां जो कनेक्टिविटी बनेगी, that's an opportunity for you to get connected with so many Rotarians, and which can strengthen the relationship. ऐसा होता है ना कि आप एक महीने किसी से मिले नहीं और एक महीने के बाद केवल एक काम के लिए गए, और या एक महीने में आपने चार बार फोन पे भी बात की, हालचाल भी पूछा, और फिर सडनली कोई काम भी बताया, तो there is a difference. So now let us start getting connected, have more connectivity, have more communication, and then whatever correction is required, we'll make it. Okay? So let's do it. Yes, sir. So please write yes if you are agree. If you agree to it, please everybody write yes. We will make it next year. Okay? Just type it in the chat box. And I am any question if you want to ask, otherwise. Yeah, Rotaractor Utkarsh Patel has something to say. Yes, tell me. Sir. Yeah, Utkarsh. Good afternoon, sir. Good afternoon. Main sir सोच रहा था कि जो हम में जो अवार्ड सिस्टम होता है आपका, अवार्ड कंप्लेंट जो भी आप रखते हो, हाँ, इसमें अवार्ड्स में आपकी कुछ कैटेगरी होती है, उसमें कैटेगरी कैटेगरी होती है, वो कैटेगरी, हाँ, आपके जो अवार्ड्स में कैटेगरी होती है ना, हाँ, ऐसे रोटरिंग में सेम, अगर डीआरएल चाहे तो अपने हिसाब से जो अवार्ड्स वो रख पाता है वो देगा, वो अलग बात है, हाँ, लेकिन रोटरी जो प्रॉपर तरीके से कैटेगरी वाइज जो अवार्ड देती है जी, उस हिसाब से हम, हमको प्लान करना है पहले से, हम ये अवार्ड, मतलब ये अवार्ड होते हैं डिस्ट्रिक्ट के लिए जो काम करेगा, इससे हमारा मतलब जो क्लब लेवल का काम है वो बढ़ जाएगा, ये पहले से प्लानिंग करने की बात है. इसलिए मैं रोटरी से ये चाहूंगा कि रोटरी पहले से ही प्रॉपर लिख दे दो और उसके हिसाब से ही हम ये अवार्ड फिक्स करेंगे. ठीक है, जितना है वो अलग बात है, ठीक है, ठीक है, है ना, लेकिन रोटरी से प्रॉपर हमको लिस्ट मिल जाएगी कि इतनी कैटेगरी होती है और ये अवार्ड होते हैं, ठीक है, रोटरी में जो डिफरेंट होगा वो हम देख लेंगे अपने, ठीक है. Okay, this is one. You finished? You and not only this. मैं जैसे request करूँगा कि you collect whatever is your expectation. Make a list of it. Whatever you are expecting, have a complete list. Then have a list that कौन से club support कर रहे हैं, कौन से नहीं कर रहे हैं. वो भी list आप share कर लो. उतना काम तो देखो अपने को करना पड़ेगा. We need to do that. ठीक है. सॉल्यूशन विल बी देयर. मैं आपको एश्योर कर रहा हूं. आई एम ए गोल ओरिएंटेड पर्सन, रिजल्ट ओरिएंटेड पर्सन. इफ वी डिसाइड इट इज गोइंग टू हैपन, इट्स नॉट पॉसिबल कि वो नहीं होगा. बट उतना सा कॉपरेट आप करिए, आपका जो भी लिस्ट ऑफ एक्सपेक्टेशंस प्लीज शेयर इट विद मी.
लिस्ट ऑफ क्लब्स हु आर नॉट सपोर्टिंग वर सपोर्टिंग अब मेरे को दीजिए। जहां आप अटक रहे हैं और जहां मेरा काम है या रोटेरियन का काम है, जहां भी अटक रहे हैं, प्लीज शेयर इट विद ए पॉजिटिव माइंड कि दिस विल बी सॉल्व्ड। ठीक है ना? सो लेट अस डू इट टुगेदर, लेट अस मेक इट टुगेदर। ठीक, ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग।